कभी नहीं चाहूंगा कि तुम कमजोर पड़ो, और तुम मेरी उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरोगे। करीम सर, यास्मीन, मुझे पागल मत बनाओ। आसिया कहाँ है बताओ। हामिद, हम यास्मीन को रस्मी निकाह वाले घर लेकर जा रहे हैं। अब वो उसी घर में काम करेगी। करीम उस लड़की से शादी ना कर ले, इसलिए मैंने ये सब करीम से झूठ बोला। कोई बच्चा बच्चा नहीं है। अब तुम उठो और चुपचाप अंदर चली जाओ, और अब इसके बाद किसी मासूम की जिंदगी तुम्हारी वजह से खराब नहीं होगी। ऑस्कन, तुम यास्मीन को लेकर इज्जत वाला कारोबार करने के लिए घर लेकर जाओगे। लोग आएंगे, हम यास्मीन को रस्मी निकाह में दे देंगे। हम यास्मीन को रस्मी निकाह वाले घर लेकर जा रहे हैं। अब वो उसी घर में काम करेगी, और तुम आसिया सारी उम्र इसी दुख के साथ जिंदगी गुजारोगी। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें, किस कदर घटिया इंसान हो तुम बशीर। आसिया, अब तुम उठो और चुपचाप अंदर चली जाओ, और अब इसके बाद किसी मासूम की जिंदगी तुम्हारी वजह से खराब नहीं होगी। हेलो, हेलो हामिद भाई, वो मैं मेडिकल स्टोर से रुस्तम खान बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मशकूक आदमी आया है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये आदमी बिल्कुल वैसा है जैसा आपने बताया था। मेडिसिन लेने के लिए आया है। हामिद भाई, आप ऐसा करें कि जरा जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं, तुम किसी तरह उसे रोक के रखो। किसका फोन था हामिद? वो मास्क वाला मिल गया है, वो रुस्तम के पास मेडिकल स्टोर पर आया हुआ है, अभी जाना होगा आगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अभी चलते हैं, चलो। करीम, जल्दी से फोन उठाओ। हेलो लुकमान, मैं मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। मेरी बात सुनो भाई, जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ, बशीर आ रहा है। वो कहां से आ गया? ठीक है, तुम जाओ, मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। या अल्लाह मेरी मदद करना। क्या करूं, मुझे निकलना होगा। कहां है वो आदमी? आगा, लगता है वो खिड़की से भाग गया है। बाहर कूदो। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा बशीर। ऐसा मत करो भाई।
अगली दफा ऐसा करने से पहले सोच लेना। आगा इस तरफ देखते हैं। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूं। देखते हैं अब तुम मुझे पकड़ोगे या मैं तुम्हें। आगा ये तो मास्क वाला है। भागो हमें, पकड़ो उसे। रुक रुक, इसने तो हमें पागल कर दिया है। क्या है ऑसगन? ठीक है, तुम यास्मीन पर नजर रखो, हम मौलवी को लेकर आते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा मैं तुम्हें। बशीर करताय के पास तुम्हारी बर्बादी का मंसूबा है। लगता है डर कर भाग गया मुझसे। जी बशीरागा। हामिद, उस आदमी का पीछा छोड़ो, अभी बहुत से काम है करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? आखिर इस नकाब वाले ने तो हमें पागल बनाया हुआ है और आज तो हमारी गाड़ी भी ले गया। तुमने मुझे कौन सा काम अधूरा छोड़ते देखा है हामिद? जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो तुम। ऑस्कन की कॉल आई है, रश्मि ने कहा के लिए वो लोग आ चुके हैं। तुम जल्दी से मौलवी को लेकर वहां पहुंच जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूं। ये हो क्या रहा है और कौन है ये? रोको इस गाड़ी को। मैंने पूछा कौन हो तुम, जवाब दो मुझे। कहीं लोगों ने फिर से किसी लड़की को अगवा तो नहीं किया हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा गाड़ी रोको। कहीं तुम पागल तो नहीं हो? गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो तुम, बताओ मुझे। मैंने कहा गाड़ी रोको वरना जान से मार डालूंगी तुम्हें। आसिया, तुम यहाँ कैसे आ गई? हर जगह पहुँच जाती हो। सुनाई नहीं देता क्या? कहीं तुम मुझे अगवा तो नहीं कर रहे? मैंने कहा गाड़ी रोको, सुना नहीं? क्या मुसीबत है? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? कहां ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको, रोक दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जानती हूँ कि तुम कौन हो। करीम, मुझे छोड़कर मत जाओ।
मुझे तुम्हें रोकना आता है करीम। इस खूबसूरत सेब को मारने के लिए मेरा ही सर रह गया क्या? कभी तो इस सेब को प्यार से भी पेश करो आसिया। करीब, 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 तुम जिंदा हो। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? अब तुम रोना बंद कर दो आसिया। करीम, तुम इस तरह मुझसे चुप क्यों रहे थे? मेरा चुपना जरूरी था, मगर अब देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम आसिया नहीं कोई ऑफिसर लगती हो, जैसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हो। अभी भी तुम्हें मजाक सोच रहा है करीम। तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो आसिया। और कब तक ऐसे छुपते रहोगे तुम करीब? जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूं, मैं किसी के सामने नहीं आ सकता। करीब, बशीर यास्मीन को कहीं ले गया है, वो उसका रस्मी निकाह कर देगा। करीब, उसे बचा लो प्लीज। यास्मीन कौन है? यास्मीन वो जिसे तुमने मेरे लिए सेब दिया था, और मुझे हवेली से निकालने में भी उसी ने मेरी मदद की थी। उसे बशीर से अब तुम ही बचा सकते हो करीम। बहुत घटिया इंसान है, यानी अब किसी और लड़की को ढूंढ लिया उसने। यकीनन उसे पता चल गया होगा आसिया कि हम उन लड़कियों को बचा लेंगे, इसीलिए उसने यास्मीन को अगवा कर लिया। तुम फिक्र मत करो आसिया, मैं उस लड़की को जरूर बचा लूंगा। बर्बाद कर दूंगा मैं उनका खेल। मैं जरा इब्राहिम को कॉल करके ये सब बता दूं। इब्राहिम को? हाँ। मतलब कि उसने भी मुझसे झूठ बोला? तुम अब घर जाओ। हाँ, अपना हाथ दिखाओ जरा। कोई भी मसला हो मुझे इस नंबर पर बता देना। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना करीम। तुम जल्द वापस आओगे, वादा करो मुझसे करीम। जो हुक्म ऑफिसर, वादा रहा तुमसे। जी अपनी मेडिसिन, बाकी की मेडिसिन मेरा दोस्त ले आएगा, इसे खा लीजिए। मरियम बहन, तुम अंदर जाकर आराम कर लो, मुझे बाहर जाकर थोड़ा सा काम करना है। ठीक है इकराम भाई, आप अपना काम कर लें, आराम कर लेती हूँ मैं। चलो आओ, जल्दी जाना है। लेकिन जाना कहाँ है? लड़की भी तैयार है और आदमी भी, तुम्हें बस जाकर निकाह पढ़ाना है। चलो आ जाओ जल्दी। फिर भी कौन सी जगह पर और कहाँ पर जाना होगा? निकाह पढ़वाना है। हमेशा की तरह इस दफा भी उसी जगह पर। ठहरो, मैं भी आता हूँ।
वाले घर जा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। हेलो इब्राहिम, ऑपरेशन का वक्त आ गया है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ कमांडर। वो लोग रस्मी निकाह के लिए लड़कियों को ले जा रहे हैं, हमें उन लड़कियों को बचाना होगा। एक टीम तैयार करो, मैं उस बशीर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। तुम समझ गए हो ना? मैं समझ गया हूँ कमांडर, ठीक है। या अल्लाह, मैंने जिंदगी में बहुत से मिशन किए हैं और तूने फतह नसीब फरमाई। इस आखिरी मिशन में भी मुझे कामयाबी अता कर ताकि मैं शादी कर लूं। ये लो और पहन लो, थोड़ी देर बाद तुम्हारा निकाह है। ये रोना धोना बंद करो और हाँ, अपना मुंह भी धो लेना। आगा थोड़ी देर में आ जाएंगे, लड़की को कपड़े दे दिए क्या? तुम परेशान ना हो, दे दिए हैं। ठीक है। शुक्र है कि कॉल तुमने पिक की। आसिया, यास्मीन बात कर रही हूँ। यास्मीन, आसिया खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये मेरा रस्मी निकाह करने वाले हैं, मुझे इनसे बचा लो आसिया। अच्छा ये बताओ, मेहमान कहाँ पर हैं? यहीं पर है आगा। हामिद मौलवी को लेकर आता है तो खत्म करते हैं इस काम को। ठीक है। कहाँ हो तुम यास्मीन? मुझे जल्दी से बता दो। आसिया मेरी मदद करो, मुझे पुराने बाजार के एक घर में ले आए हैं, मेरी और कोई मदद नहीं करेगा। यास्मीन, यास्मीन! यास्मीन मुझे जल्दी से बता दो। आसिया मेरी मदद करो, मुझे पुराने बाजार के एक घर में ले आए हैं, मेरी और कोई मदद नहीं करेगा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आगे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। हेलो यास्मीन, हेलो हेलो। ए मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे? करीब करीब। करीम, करीम जल्दी फोन उठाओ, जल्दी। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ नकाब वाले। करीम आ
आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? या अल्लाह अब तो ही मेरी मदद फरमा। मैं तुम्हें बचा लूंगी यास्मीन, मैं बचा लूंगी तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो इब्राहिम, मैं हूं आसिया। आखिर बशीर आगा ने तुम्हें पकड़वा ही दिया नकाब वाले। अच्छी तरह से बांध देना। हाँ बांध दिया है। चलो इसे गाड़ी में बिठाओ, गोदाम वाले घर ले जाना है। अच्छा ठीक है। मेहमान कहाँ रह गए ओस्कन? रास्ते में है आगा, अभी आ जाते हैं। ठीक है जाओ। हम यहाँ पर क्यों आए आगा साहब? हमारा प्लान तो कहीं और का था ना। मेरे सर पर वो नकाब वाला सवार है, उसके साथ एक छोटा सा खेल खेला है। हमेशा कोई ना कोई उसे बता देता है उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन इस बार से कोई नहीं बचा पाएगा। आप बहुत ही अकलमंद है आगा साहब, देखना आप ही जीतेंगे। चलो बंदर चले, इस काम को खत्म करें जल्दी। आगा साहब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं वजू कर लूं? ठीक है मगर जल्दी करना। वो सलखाना इस तरफ है। चलो भी करीम भाई जल्दी फोन उठाओ। बशीर साहब खुदा के लिए मुझे जाने दे, मेरा कोई कसूर नहीं। क्या बात है मतीन? हेलो बशीर आगा, नकाब वाला पकड़ लिया है, जहां आपने कहा वहां ले जा रहे हैं आगा। शाबाश मतीन, मैं यहां का काम एक दफा ही खत्म करके पहुंचूंगा वहां पर। तुम अपनी आंखें खुली रखना और कोई गलती मत करना। ठीक है। मत करे ऐसा, मैं मर जाऊंगी, ना करे ऐसा मेरे साथ। मुंह बंद रखो अपना। चलो भाई जल्दी करो, आगा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस दो मिनट और, मैं आता हूं अभी। बशीर ने तुम्हें धोखा दिया है, वो शादी घर में नहीं है, पुराने बाजार में एक घर पर है। अल्लाह तो ही हिफाजत करना करीम की, धोखा देने वाले खुद ही एक दिन धोखे में फंस जाएंगे। कितनी देर का निकाह करना चाहते हैं आप इस लड़की से? बस एक दिन का कर दें मौलवी साहब। तुम बाहर चले जाओ और जब आगा आए तो उनके साथ अंदर आना। ठीक है? ठीक है। जरा देखें तो सही इस नकाब के पीछे कौन है। निकाह के
बदले में क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दें खुदा के लिए। अपना काम जारी रखें मौली साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो चाहना होगा तुम्हें, नहीं तो निकाह नहीं हो सकेगा। चारों तरफ फैल जाओ, इस घर को घेरे में ले लो। जी बोले आसिया, पहुंच गए हैं, फिक्र मत करो, हम बचा लेंगे यास्मीन को। ये लो, निकाह के बदले में ये गिफ्ट है। चलो जल्दी से खत्म करो मौली साहब। चलो भी करीम, कहां रह गए हो तुम? यास्मीन, यास्मीन, यास। ये क्या किया तुमने? आगा, अब क्या करेंगे? करना क्या है? चलो पीछे से भागते हैं, चलो। जल्दी से बाहर आ जाइए, कुछ ही देर में बॉम्ब फटने वाला है। जल्दी कीजिए आगा, जल्दी। हामिद आगा। आगा, अब क्या करेंगे? करना क्या है? चलो पीछे से भागते हैं, चलो। जल्दी से अंदर वालों को गिरफ्तार करो, तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सबको हेडक्वार्टर ले जाओ। जी कमांडर। ऑफिसर, लड़की कैसी है? कुछ पता नहीं, शायद बच जाए वो। करीम साहब को बता दिया है ना, वो भी अंदर ही है ना। क्या मतलब? क्या वो आपके साथ नहीं थे? क्या उन्होंने आप लोगों को यहां नहीं भेजा? आसिया ने बताया था मुझे, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा, ऐसा लगा वो यहीं पर होंगे। अल्लाह, बशीर ने धोखा दिया है उन्हें। हमें जल्दी जाना होगा और ऑफिसर को बचाना होगा। चलें। अंदर है वो आदमी? अंदर ही है आगा। बॉम्ब तैयार है क्या? जी वो भी तैयार है। शाबाश, पहले उस नकाबपोश से थोड़ी सी बातें कर लें, फिर हम उसके जीथड़े उड़ाकर रख देंगे। चलो हामिद। आखिर नकाब वाला हमारे काबू आ ही गया। ये हमारा यहाँ पर भीगी बिल्ली बनकर इंतजार कर रहा है हामिद। हाँ।
अरे ओ नकाब वाले, आखिर तुम हमारे काबू आ ही गए हो। बशीर कराताए से उलझने का मतलब समझे या समझाऊं? चलो देखें तुम हो कौन नकाब पोश। मती बशीर आगा, वो भाग गया। जालिम जहन्नुम में जाएंगे, इसका क्या मतलब हो सकता है? आगा आगा, जल्दी से बाहर आ जाइए, कुछ ही देर में बॉम्ब फटने वाला है। जल्दी कीजिए आगा, जल्दी। हाँ मैं आगा। तुमने खेल शुरू किया, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जालिमों का ठिकाना बेशक जहन्नुम है। आसिया तुम? करीम, करीम। आसिया मेरी जान, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। करीम तुमने मेरी कॉल भी पिक नहीं की, इसलिए मैं फार्म हाउस से भागकर यहाँ आ गई। रोना बंद करो आसिया, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे आसिया, खूबसूरत मुस्तकबिल हमारा इंतजार कर रहा है। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मुझे छोड़ के मत जाना करीम। आसिया तुम प्यार हो मेरा, और मैं अपने प्यार को कैसे छोड़ सकता हूँ? हो गया ना करीम? हाँ बिल्कुल आसिया, सब ठीक हो गया। आज के बाद जिंदगी के हर सफे पर हमारी खूबसूरत शामें लिखी जाएंगी।